हेलो एवरीवन, अंकुर दे रहे द साइड। सो आज अपना है कॉन्सेप्ट नंबर 4, सेल ऑफ गुड एट 1930 का। इसमें हम लोग जानने वाले हैं, आज पढ़ेंगे कंडीशन एंड वारंटी में, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयड कंडीशन एंड एम्प्लॉयड वारंटी। सो लेट्स हिट इट, स्टार्ट करते हैं। ये एकदम जोर शोर से स्वागत करो, किसका? हमारे कॉन्सेप्ट का, राइट? हाँ जी भैया, ओके। चलो, एकदम फुल कंसेंट्रेशन, यहाँ पे कोई इधर उधर नहीं देखेगा, ठीक है? सब यहाँ पे फोकस करो। ओके, एक्सप्रेस एन इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। देखो, एक्सप्रेस कंडीशन और वारंटी जो है, कंडीशन और वारंटी जो है, ये दोनों एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी। ये दोनों एक्सप्रेस भी हो सकता है और एम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस भी होगा, एम्प्लाइड भी होगा, ठीक है? वैसे ही यहाँ ये एक्सप्रेस भी होगा और वारंटी एक्सप्रेस होगा और एम्प्लाइड भी होगा। क्लियर? हाँ जी भाई, क्लियर। अब देखो, कंडीशन एंड वारंटी में बी बोलता है, मे बी, या तो वो एक्सप्रेस है नहीं तो इम्प्लाइड है। अब होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन? यानी कि एक्सप्रेस कंडीशन का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि इट इज दोज विच आर अग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। सुनना, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उसी टाइम बोथ पार्टी ने उस कंडीशन पे अग्री कर लिया, या फिर एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड करवा दिया कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करो कि मेरे को ये भी चीजें चाहिए। ये क्या हो गई? एक्सप्रेस। ये क्या हो गई? एक्सप्रेस। यानी या तो एक्सप्रेसली है तो या तो रिटेन होगा, नहीं तो ओरल होगा, दोनों हो सकता है। ये या तो रिटेन होगा नहीं तो ओरल होगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। तो एक्सप्रेस कंडीशन क्या हुआ? एक्सप्रेस कंडीशन वैसे कंडीशन है जो, ठीक है, बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अग्री करता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एक्सप्रेसली प्रोवाइड करवाता है कॉन्ट्रैक्ट में, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कंडीशन। या फिर इम्प्लाइड क्या हुआ? इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब हुआ कि इम्प्लाइड कंडीशंस आर दोज विच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ। यानी कि मान लिया जाता है कि लॉ में ऐसा लिखा है, ठीक है, मान लिया जाता है कि ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है, ठीक है, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद हैं। इट शुड बी नोटेड दैट एन इम्प्लाइड कंडीशन में भी निगेटेड और वेव्ड बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है? इम्प्लाइड कंडीशन को निगलेक्ट किया जाता है, जा सकता है, या फिर वेव की किया जा सकता है अगर एक्सप्रेस अग्रीमेंट है तो। अब देखो, बोलता है क्या है? इम्प्लाइड कंडीशन क्या हो सकता है? इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब प्रिज्यूम्ड बाय लॉ। उसमें सबसे पहला कंडीशन है, कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल। बोलता है क्या है? एक बात बताओ मेरे को, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रारी, द फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर इज दैट इन द केस ऑफ सेल ही हैज द राइट टू सेल द गुड्स। ए सुनना, क्या सेलर के पास राइट होना चाहिए उस गुड्स को बेचने का? सेलर जो गुड्स बेच रहा है, क्या सेलर के पास राइट होना चाहिए उस गुड्स को बेचने का? हाँ जी भैया, सेलर के पास राइट होना चाहिए। ये सेल के केस में है, बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, बट इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, ही विल हैव राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन प्रॉपर्टी इज टू पास। देखो, सेल के केस में सेलर के पास गुड्स को बेचने का राइट होना चाहिए, बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, सेलर के पास क्या राइट होना चाहिए? सेलर के पास राइट होना चाहिए, राइट टू सेल द गुड्स, कब कब कब? तो बोलता है एट द टाइम व्हेन, एट द टाइम व्हेन प्रॉपर्टी इज टू पास, प्रॉपर्टी इज टू पास। एक और बात बताओ, एग्रीमेंट टू सेल, एग्जिस्टिंग गुड्स को छोड़ के जितने भी गुड्स होते हैं, असर्टेन, अनअसर्टेन, ठीक है, फिर
और दो गुड्स कौन से हुए, असर्टेन अनअसर्टेन, और जो दो टाइप और हैं वो भी क्या होंगे, उसके लिए अग्रीमेंट टू सेल होता है ना ही कि सेल होता है, क्लियर है, उसके लिए क्या होता है अग्रीमेंट टू सेल ना कि सेल। एक मिनट मैं बताता हूँ वो दो और गुड्स कौन से। हाँ जी, तो एग्रीमेंट टू सेल होगा असर्टेन गुड्स का, अनअसर्टेन गुड्स का, फ्यूचर गुड्स का और कॉन्टिंजेंट गुड्स का। इन केसेस में अग्रीमेंट टू सेल होता है, और इसमें जो राइट टू सेल है वो पास कब होगा, राइट टू सेल कब आएगा, जब प्रॉपर्टी पास होगा फ्रॉम सेलर टू बायर, क्लियर है। हाँ जी, ये पहला कंडीशन है, कंडीशन एज टू टाइटल, और ये इंप्लाइड कंडीशन है, कंडीशन एज टू टाइटल, यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो सेलर तब तक सामान को नहीं बेच सकता जब तक उसके पास बेचने का राइट ना हो, क्लियर। हाँ जी, नाउ सेकंड, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ए सुनना, ये इंप्लाइड कंडीशन है। अगर मान लो मैंने गुड्स के बारे में डिस्क्राइब कर दिया सेलर को, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर कि वो वही गुड्स दे जिसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है। बोलता क्या है, अगर आपने, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीज, अगर सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है मटर बेचने का, तो वो बायर को बीन्स नहीं बेच सकता, ठीक है। वैसे ही, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, यानी कि ये इंप्लाइड कंडीशन है कि वो जो गुड्स जो है वो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच होना चाहिए, क्लियर है, ये दूसरा इंप्लाइड कंडीशन है। नाउ थर्ड वन, थर्ड वन इज सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल, ए सुनना, यहां भी एक क्या है, इंप्लाइड कंडीशन ही है कि आपने जो सैंपल बायर को दिखाया, आपने जो सैंपल बायर को दिखाया, क्या उस सैंपल से आपका पूरा बल्क मैच करना चाहिए। हाँ जी भाई, आपका पूरा बल्क मैच करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना होगा, ठीक है, सैंपल को बल्क के साथ मैच करवाने का, ठीक। पहला इंप्लाइड कंडीशन क्या है सेल बाय सैंपल में, पहला इंप्लाइड कंडीशन क्या है कि बल्क जो है वो सैंपल से मैच करना चाहिए, सैंपल के क्वालिटी से मैच करना चाहिए। दूसरा, बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए बल्क को कंपेयर करने का सैंपल के साथ में, बल्क को कंपेयर करने का सैंपल के साथ में। और थर्ड, वो जो गुड्स होगा वो शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम और अनमर्केंटेबल, वुड नॉट बी अपेरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। क्या बोला, थर्ड क्या बोलता है कि आपका जो गुड्स है वो फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट होने चाहिए, आपका जो गुड्स है वो फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट होने चाहिए, यानी कि वो मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, ना कि अनमर्केंटेबल क्वालिटी का, ठीक है। क्योंकि अगर रीजनेबल एग्जामिनेशन में अगर आपका गुड्स क्या को होता है सैंपल से मैच नहीं करता है, तो बायर जो है वो आपके गुड्स को क्या कर देगा, इम्प्लाइड कंडीशन पढ़ा रहा हूँ, इम्प्लाइड कंडीशन के केस में बायर के पास राइट है, राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है। हाँ जी भैया, क्लियर है। तो पहला क्या था, पहला था कंडीशन एज टू टाइटल, पहला क्या था कंडीशन एज टू टाइटल, यानी कि सेलर के पास राइट होने चाहिए उस गुड्स को बेचने का। दूसरा क्या है, दूसरा है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, यानी कि सेलर जो है जो गुड्स बेच रहा है वो डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। थर्ड वन इज सेल बाय सैंपल, थर्ड वन इज सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल में क्या बोलता है कि सेल बाय सैंपल में बोलता है कि आपका जो बल्क है वो सैंपल से मैच करना चाहिए, सैंपल की क्वालिटी क्वालिटी से मैच करना चाहिए, और बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए उस सैंपल को, उस बल्क को सैंपल के साथ मैच करवाने का, और वो जो गुड्स जो है वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, क्लियर है। हाँ जी भैया, क्लियर है। नाउ फोर्थ वन इज सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, क्या बोलता है, जहां पे गुड्स का सेल हो रहा है सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन से, यानी कि सैंपल तो दिखाया ही साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन भी दिया, तो इन दैट केस सैंपल तो मैच करना चाहिए बल्क के साथ, साथ ही साथ वो डिस्क्रिप्शन से भी मैच करना चाहिए, सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों मैच करने चाहिए, ठीक है।
सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों मैच करने चाहिए। अगर सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों टैली नहीं हुआ, दोनों मैच नहीं हुआ, इन दैट केस बायर कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? हाँ जी। नाउ नेक्स्ट वन इज कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ये सुनना, से फॉर एग्जाम्पल कि सेलर जो है वो केक बेच रहा है। क्या बेच रहा है? केक। तो क्या 1 महीने का बासी केक बायर को देते, क्या उस केक की क्वालिटी बची होगी या उस केक का फिटनेस बचा होगा, क्या वो खाने लायक होगा? इन सिंपल, क्या वो खाने लायक होगा? नहीं भैया, वो खाने लायक नहीं होगा। यानी कि कंडीशन ये भी है कि गुड्स जो है, गुड्स का क्वालिटी और फिटनेस क्या होना चाहिए, गुड्स की क्वालिटी और फिटनेस सही कंडीशन में होनी चाहिए। बोलता है ऑर्डिनरली देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स सोल्ड बाई एनी पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, ऑर्डिनरली हाउवर कंडीशन एज टू रीजनेबल फिटनेस ऑफ अ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी इम्प्लाइड इफ द बायर हैड मेक नोन टू द सेलर द पर्पस ऑफ हिज परचेज एंड रिलाइड अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। देखो क्या बोला कि ऑर्डिनरली ऐसा नहीं होता क्वालिटी और फिटनेस के रिगार्डिंग गुड्स के। ठीक है, ऑर्डिनरली। बट अगर बायर डिपेंडेंट है सेलर के स्किल के ऊपर या सेलर के जजमेंट के ऊपर, इन दैट केस क्वालिटी और फिटनेस मैटर करता है। जैसे मान लो कि मिस्टर ए ने जाके बोला मेडिसिन शॉप वाले को कि मुझे पैरासिटामोल चाहिए। क्या चाहिए? पैरासिटामोल। दैट मींस सेलर जो है जो पैरासिटामोल देगा वो क्या होगा, वो एक्सपायरी डेट वाला नहीं देगा ना। सेलर जो है एक्सपायरी डेट वाला मेडिसिन नहीं देगा ना। ये तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो ना कि आपको सेलर, आपने बता दिया कि हाँ मुझे क्या चाहिए, अब सेलर के स्किल और जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पैरासिटामोल वो क्या देगा जो अभी जिसका एक्सपायरी बचा है। या फिर आपने बोला कि मुझे फीवर है, मेरे को फीवर का दवा चाहिए। नाउ यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द सेलर स्किल एंड हिज जजमेंट। अब वो जो मेडिसिन ला के देगा, आई होप कि वो क्या हो, फीवर के लिए हो। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। तो वो रीजनेबली फिट होना चाहिए ना, वो रीजनेबली फिट होना चाहिए। क्लियर है? बट इम्प्लाइड कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं करता। बट इम्प्लाइड कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं करता अगर गुड्स बेचा गया है ट्रेडमार्क और पेटेंट नेम के अंदर। अगर गुड्स बेचा गया है ट्रेडमार्क और पेटेंट नेम के अंदर, इन दैट केस क्वालिटी और फिटनेस मैटर। क्वालिटी और फिटनेस के लिए जो इम्प्लाइड कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होता। क्लियर? मुझे क्लियर है। बोलता है क्या, देर इज अ कंडीशन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेलर दैट द गुड सप्लाइड शैल बी रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस फॉर विच द बायर वॉन्ट्स देम। द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड, द बायर शुड मेड नोन टू द सेलर फॉर द पर्टिकुलर पर्पस। जैसे कि मिस्टर ए ने जाके बोला सेलर को, मेडिसिन शॉप वाले को, कि मुझे फीवर का दवा चाहिए, बुखार का दवा चाहिए। अब ये क्या हुआ, पर्टिकुलर पर्पस बता दिया, मुझे बुखार का दवा चाहिए। अब बायर जो है वो सेलर के स्किल और जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। बायर जो है वो सेलर के स्किल और जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और गुड्स मस्ट बी ऑफ अ डिस्क्रिप्शन डील्ट इन बाय द सेलर। ये सुनना, और वो जो गुड्स है वो डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए जिस चीज में सेलर डील करता है, जिस चीज में सेलर डील करता है। ठीक है, वेदर ही विल बी अ मैन्युफैक्चरर नॉट। ये सुनना, मेडिसिन शॉप वाला क्या दवाई खुद मैन्युफैक्चर करता है? नहीं, उसके पास दवा आते हैं। क्लियर है? हाँ जी भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी अपने पढ़ लिया। नाउ कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी, मर्केंटेबिलिटी यानी जो ट्रेड करने लायक हो, जो क्या हो, ट्रेड करने लायक हो। ठीक है, ओके। अब देखो, बोलता है कि जहां पे गुड्स परचेज किया गया है, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग,
यहाँ पे गुड्स परचेज किया गया है डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, फ्रॉम द सेलर हु डील इन गुड्स फॉर दैट डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी मर्केंटेबल क्वालिटी। सुनना, ये तो इम्प्लाइड है भाई कि सेलर ने जो गुड्स दिया होगा वो मर्केंटेबल होगा, मर्केंटेबल क्वालिटी का होगा, ठीक है, यानी कि वो यूज करने लायक होगा। बोलता है देर आर टू रिक्वायरमेंट फॉर दिस कंडीशन, दो रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला गुड्स बाउट बाय डिस्क्रिप्शन, यानी गुड्स जो परचेज किया गया वो डिस्क्रिप्शन अपना तुमने बता दिया कि हाँ मुझे इस चीज के लिए गुड्स चाहिए, और सेलर जो है उसी गुड्स में डील करना चाहिए, सेलर जो है उसी गुड्स में डील करना चाहिए। अब हुआ क्या, तुम गए सीमेंट परचेज करने, क्या परचेज करना है, सीमेंट परचेज करने गए, तुमने दुकान वाले को बोला कि मुझे सीमेंट चाहिए 100 बोरी, ठीक है, दुकान वाले ने क्या किया, सीमेंट तुमको दिया बट वो हवा लगने की वजह से सीमेंट जो होता है ना वो पाउडर से ना वो सॉलिड बन जाता है, पाउडर से क्या बन जाता है, सॉलिड। क्या वो मर्केंटेबल क्वालिटी का है, क्या वो तुम्हारे किसी काम का है, नो वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो दो चीज देखना होगा, क्या गुड्स है वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बाई किया गया हो, और दूसरा सेलर जो है उसी गुड्स में डील करता हो, सेलर उसी गुड्स में डील करता हो, क्लियर है। ओके नाउ नेक्स्ट वन, कंडीशन एज टू होलसमनेस, ये क्या होता है, कंडीशन एज टू होलसमनेस, इट इज जनरली एप्लीकेबल इन केस ऑफ एटेबल्स, इट इज जनरली एप्लीकेबल इन केस ऑफ एटेबल्स। ए सुनना, तुम जो खाने वाली चीज खरीद के ला रहे हो, तुम आप जो खाने वाली चीज चीजें खरीद के ला रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, उसका क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए ना, उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, बढ़िया ना। आप जो गुड्स खरीद के ला रहे हैं उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, बढ़िया। वाई, मान लो मान लो कि अगर उस गुड्स का क्वालिटी बढ़िया नहीं है और तुमने उस गुड्स को कंज्यूम कर लिया और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तो इन दैट केस वो क्या होगा, क्या वो गुड्स सूटेबल था, हेल्दी था, नहीं, ठीक है। तो इन दैट केस ये इम्प्लॉयड कंडीशन है कि आप जो इटेबल्स परचेज करके ला रहे हो वो क्या होना चाहिए, वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी इंसान के खाने के योग्य होना चाहिए, इंसान के खाने के लायक होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है, ए ने बी को दूध सप्लाई किया बट उस मिल्क में टाइफाइड के जर्म्स थे, एफ की वाइफ ने जैसे उस दूध को कंज्यूम किया वो इन्फेक्टेड हुई और वो मर गई। दिस इज अ केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू फिटनेस एंड ए वॉज लेबल टू पे डैमेजेस, क्लियर। तो साथ साथ क्या देखेंगे कि एटेबल्स के केस में कि वो एटेबल्स फिट फॉर ह्यूमन कंज्यूम्पशन है या नहीं, अगर वो फिट फॉर ह्यूमन कंज्यूम्पशन नहीं है इन दैट केस इट इज अ इम्प्लाइड, इट इज अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, क्लियर। तो इम्प्लाइड कंडीशन के केस में कितने पॉइंट्स पढ़े अपन ने, इम्प्लाइड कंडीशन के केस में अपन ने 7 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कंडीशन एज टू टाइटल, यानी कि आप सामान तभी बेच सकते हैं जब वो आपके आपका उस सामान के ऊपर राइट हो। दूसरा कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, अगर तुम सेलर के ऊपर डिपेंडेंट हो, तुमने डिस्क्राइब कर दिया, अब तुम सेलर के ऊपर डिपेंडेंट हो तो सेलर को वही चीज देना पड़ेगा, ठीक है। सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल के केस में अपन ने पढ़ा था कि सैंपल जो आपने दिया उस सैंपल से पूरा बल्क मैच करना चाहिए, यानी बल्क मैच करना चाहिए इस सैंपल से। दूसरा दूसरा कंडीशन क्या था सेल बाय सैंपल में, कि बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कंपेयर करने का बल्क को सैंपल के साथ में, और तीसरा वो जो गुड्स बायर ने सेलर ने आपको दिया है वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्लियर है। हाँ जी भैया क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, आपने सैंपल भी दिया और डिस्क्रिप्शन भी दिया, अब सेलर जो है वो गुड्स आपको देगा जो सैंपल से भी मैच करे और आपके डिस्क्रिप्शन से भी मैच करे, क्लियर है। हाँ जी
बोलता है सेल कंडीशनर्स टू क्वालिटी और फिटनेस। भैया गुड्स का क्वालिटी और फिटनेस सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कंज्यूम आप गुड्स को यूज करो और आपको डैमेज डैमेज नहीं, आप गुड्स को यूज करो और आपको उसके वजह से कोई हार्म हो जाए। फिर बोलते हैं कंडीशन एस मर्केंटेबिलिटी, गुड्स जो है वो मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि वो जो सीमेंट है वो पाउडर के फॉर्म में होना चाहिए ना कि सॉलिड के फॉर्म में। नेक्स्ट वन कंडीशन एस टू होलसमनेस, होलसमनेस का मतलब क्या, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके नाउ नेक्स्ट वन एम्प्लाइड, एम्प्लाइड वारंटी, अभी अपन ने पढ़ा था एम्प्लाइड कंडीशन, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज एम्प्लाइड वारंटी। एम्प्लॉयड वारंटी क्या होता है, एम्प्लॉयड वारंटी होता है कि इट इज अ वारंटी व्हिच द लॉ इम्प्लाइज इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब एम्प्लॉयड का मतलब क्या, इट इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ। पहला वाला कंडीशन था, ये वाला वारंटी। अब देखो अब क्या हो, एम्प्लॉयड वारंटी का पहला कंडीशन, पहला केस, ठीक है, चार तरीके से एम्प्लॉयड वारंटी को डिस्क्लोज किया गया है, डिस्क्राइब किया गया। पहला वारंटी एज टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजिशन, वारंटी एज टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजिशन। देखो बोलता है क्या, एन एम्प्लॉयड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एंजॉय द क्वाइट पोजिशन ऑफ द गुड्स। एक बात बता मेरे को, एक बात बता मेरे को, एक बात बता, तुमने कोई सामान जाके दुकान से परचेस करके लाया, हाँ जी भैया ले आया, क्या उस गुड्स को एंजॉय करने का तुम्हारे पास राइट है? हाँ जी, क्योंकि मैंने उसके लिए पैसे दिए हैं, उसके लिए क्या किए हैं, पैसे दिए हैं, यानी कि बायर को जो गुड्स मिला वो उस गुड्स के पोजीशन को एंजॉय कर सके, यानी वो उस गुड्स को एंजॉय कर सके। दिस इज टू से इफ द बायर हैविंग गॉट अ पोजीशन ऑफ द गुड्स एज लेटर ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इन हिज पोजीशन, डिस्टर्ब्ड इन हिज पोजीशन, ही इज एंटाइटल्ड टू सू द सेलर, एंटाइटल्ड टू सू द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, तो क्या है, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, यानी कि बायर को जो पोजीशन मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, अनडिस्टर्ब्ड मिलना चाहिए, यानी कि बायर के पास, अगेन वही चीज, बायर के पास राइट होना चाहिए उस गुड्स को बेचने का। अगर मान ले कि चोरी का माल तेरे को बेच दिया बायर ने, बायर ने क्या किया, चोरी का माल तेरे को बेच दिया, क्या बायर के पास जो उस गुड्स का राइट था, पोजीशन था, वो डिस्टर्ब था? हाँ जी भैया डिस्टर्ब था। इन दैट केस आपने तो गुड फेथ में लिया, आप उस गुड्स को एंजॉय भी कर रहे हो, बट अगर आप पकड़े जाते हो इन दैट केस आप सेलर को सीव कर सकते हो ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए। क्लियर है? हाँ जी। नाउ नेक्स्ट वन, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस का मतलब, यानी कि आपने जो गुड्स परचेज किया है वो फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस होना चाहिए, वो फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस होना चाहिए और इनकम्बरेंसेस होना चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस का मतलब कि आपने जो गुड्स लिया है, ऐसा ना हो कि उस गुड्स के ऊपर थर्ड पार्टी का क्या हो, उस गुड्स के ऊपर थर्ड पार्टी का क्या हो, राइट हो। क्लियर है? वो गुड्स क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस। जैसे होता है ना कि लोग बैंक से लोन लेने के लिए अपना गुड्स क्या करते हैं, गिरवी रख देते हैं, तो वो गुड्स जो है वो गिरवी वरवी वाला नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, इट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस, राइट? हाँ जी सर। ओके नाउ नेक्स्ट, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूज ऑफ ट्रेड। क्या बोलता है, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूज ऑफ यूसेज ऑफ ट्रेड। बोलता है एन एम्प्लॉयड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर द पर्टिकुलर पर्पस एज में बी अनेक्स्ड और टेस्ट बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। इसका मीनिंग क्या हुआ, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। एक बात बता, मान ले तुमने ईयरबड परचेस किया,
अब इन दैट केस इसका काम क्या है, इसका काम क्या है? या तो इसको लगा के अपन क्या करेंगे, गाने सुनेंगे या तो बात करेंगे, ठीक है। इसको पानी में डाल के तो चेक नहीं करेंगे ना, अरे बसता है कि नहीं भैया, आपने किस काम के लिए लिया था, आप किस काम को कर रहे हो, ठीक। इस पे भी डिपेंड करता है वारंटी। बट इन ये सेलर के केस से आ जाओ, सेलर के साइड से आ जाओ, एक बात बताओ। बोलता है कि गुड्स के क्वालिटी और फिटनेस जो होगा वो या तो अटैच होगा या अनेक्स्ड होगा यूसेज ऑफ ट्रेड के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल, एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई कपड़ा या गुड्स परचेज करते हो तो उसके ऊपर ना डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कि इसका यूज किस तरीके से करना है, ठीक। अगर वो चीज मेंशन नहीं है तो फिर हो सकता है कि आप क्या करो, सीव कर दो किसको, सेलर को। इन केस ऑफ हजार्डस गुड्स, नेक्स्ट वन इज डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। ए सुनना, वेयर द गुड्स आर डेंजरस इन नेचर एंड द बायर इज इग्नोरेंट ऑफ द डेंजर, द सेलर मस्ट वॉर्न द बायर ऑफ द प्रोबेबल डेंजर। इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, सेलर में लाइबल इन डैमेजेस। बोलता है क्या कि वो जो गुड्स है ना वो डेंजरस नेचर का है, वो जो गुड्स है वो डेंजरस नेचर का है। सुनो, बायर को जो गुड्स है वो डेंजरस नेचर का है। अब हुआ क्या, बायर तो जरूरी नहीं ना कि बायर को सारे गुड्स के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस पता हो, नहीं ऐसा नहीं होता जनरली। तो ये सेलर की ड्यूटी है कि बायर को उस प्रोबेबल डेंजर के बारे में बताए कि हाँ जी भाई, आप इसको सेफली रखना है, या फिर बहुत सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसको फ्रिज में क्या करना होता है, स्टोर करना होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। अगर वो उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्टोर नहीं हुआ तो क्या होगा, वो मेडिसिन बेकार हो जाएगा। तो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसका नेचर के, जिसके नेचर के बारे में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। अगर सेलर उस डेंजर के बारे में डिस्क्लोज नहीं करता है, उस गुड्स के डेंजरस नेचर के बारे में डिस्क्लोज नहीं करता है, और अगर बायर को कोई लॉस सफर करना पड़ता है, इन दैट केस सेलर जो है वो लाइबल होगा, ठीक है। हाँ जी भैया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मतलब अमेजिंग, एकदम तोड़ फोड़ कॉन्सेप्ट है अपना, केवे टेम्प्टर। नेक्स्ट वन इज व्हाट, केवे टेम्प्टर। केवे टेम्प्टर का मतलब क्या होता है, केवियर टेम्प्टर, अरे पटर पटर नहीं, इट्स अ केवियट एम्प्टर। केवियर टेम्प्टर इज अ लैटिन फ्रेज जिसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, क्रेता सावधान रहे। ये सुनना, जरूरी नहीं कि सेलर तुमको सब कुछ बताए, अपना कॉमन सेंस नहीं है क्या, कुछ चीजें तुमको भी पता होनी चाहिए। यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। हाँ हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो पता होनी चाहिए। अब सामान लेने जाओगे आंख बंद करके सामान लोगे क्या, आप गए कुछ टेबल लेने, आप कहाँ गए टेबल लेने, आप जाते हो ठीक है फर्नीचर की दुकान में गए टेबल लेने, आपको पता है कि इस टेबल की टांग टूटी हुई है, फिर बोलते हो यही दे दो यार मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाद में आप क्या नहीं कर सकते, बाद में आप सेलर को सीयू नहीं कर सकते डैमेज के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, वाई, क्योंकि अपना भी तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना भाई। हाँ जी भैया, अपना कॉमन सेंस होना चाहिए। तो ये अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेक्चर कंटिन्यू है, कॉन्सेप्ट कंटिन्यू है, तो आई होप कि आपने थ्रू आउट कॉन्सेप्ट वन से लेके अभी तक सारे लेक्चर को देख लिया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो, क्योंकि वह डेली मैं कॉन्सेप्ट तो ला ही रहा हूँ, अब बीच में इधर नहीं ला पा रहा था ड्यू टू सम रीजन, वो मैं आपको बताऊंगा कुछ दिनों बाद। अभी कीप इट सीक्रेट मेरे तक। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।